सुर्खियों में आज हमारे कार्यक्रम सुर्खियों में मध्य प्रदेश की शुरुआत कुमार विश्वास की इन पंक्तियों के साथ। है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने पौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। नमस्कार, कार्यक्रम सुर्खियों में मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है और आज हमारा विषय है हर दिल में देश हर घर में तिरंगा, गौरव और एकता का प्रतीक। देश की आजादी के 77 साल पूरे हो गए हैं और हम 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इन 7 दशकों से ज्यादा के समय में देश ने प्रगति और विकास की कई मंजिलें तय की हैं और हम विकासशील देश से विकसित राष्ट्र के सफर पर तेजी और मजबूती से कदम बढ़ा रहे हैं। ये आजादी हमें सैकड़ों वर्षों की तपस्या, संघर्ष और अनगिनत बलिदानों के बाद हासिल की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ है किसी बाहरी शक्ति के नियंत्रण से मुक्ति। ये कई अलग अलग रूप ले सकती है। उदाहरण के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति या संगठन के नियंत्रण से मुक्ति। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है किसी देश, राज्य या अन्य समान इकाई की बाहरी सरकार से स्वतंत्रता। देश के कोने कोने से आजादी के सिपाहियों ने अपने प्राणों को हथेली पर रखकर देश को स्वतंत्र कराने का बीड़ा उठाया और पूरे देश को एकजुट करने का माध्यम बना हमारा तिरंगा। हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, सिंटा चंदा मने मने गु तिवन्ना। हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए सरकार ने 2022 से हर घर तिरंगा अभियान के तीसरे संस्करण की शुरुआत की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान का श्री गणेश करते हुए कहा, पिछले साल की तरह ही इस बार भी हमें हर घर तिरंगा फहराना, हर घर तिरंगा, हर दिल तिरंगा, हर मन तिरंगा, हर मकसद तिरंगा, हर सपना तिरंगा, हर संकल्प तिरंगा। मैं देख रहा हूँ कि अनेक साथी आजकल सोशल मीडिया पर अपनी तिरंगे वाली डीपी अपडेट कर रहे हैं, हर घर तिरंगा के उद्घोष के साथ फ्लैग मार्च भी निकाल रहे हैं। मैं आज सभी देशवासियों से, विशेष रूप से युवाओं को हर घर तिरंगे इस आंदोलन से जुड़ने का और इसका प्रचार प्रसार करने का भी आग्रह करता हूं। हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर दिल तिरंगा, हर मन तिरंगा, हर मकसद तिरंगा, हर सपना तिरंगा, हर संकल्प तिरंगा। एक राष्ट्र के रूप में झंडे को सामूहिक रूप से घर पर लाना न केवल तिरंगे के साथ हमारे व्यक्तिगत संबंध का प्रतीक है बल्कि ये राष्ट्र निर्माण में हमारी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। ये पहल लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जागृत करने और भारत के राष्ट्रीय झंडे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई है। भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय द्वारा 9 से 15 अगस्त 2024 के बीच हर घर तिरंगा अभियान आयोजित किया जा रहा है। तो आप भी herghartiranga.com पर तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी जरूर अपलोड करें। आइए आपको बताते हैं आपको किस तरह से अपनी सेल्फी अपलोड करनी है। आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, अपलोड सेल्फी पर क्लिक करें और फिर क्लिक टू पार्टिसिपेट या नेक्स्ट चुनें। अपना नाम, फोन नंबर, राज्य और देश जैसी बुनियादी जानकारी दर्ज करें। तिरंगे के साथ एक सेल्फी अपलोड करें, पोर्टल को तस्वीर का उपयोग करने की अनुमति दें। फिर प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जनरेट सर्टिफिकेट विकल्प पर क्लिक करें। इन चरणों का पालन करने पर एक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा जिससे प्रतिभागी इस राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बन जाएंगे। है ना कितना आसान। तो आज ही अपनी सेल्फी लीजिए और तिरंगे के साथ
अपलोड कीजिए। शान तेरी न कम होने देंगे वतन, नाम ले ले के तेरा जिएंगे वतन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन, हर दिन का तेरी जमी का चूमता है गगन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन, मेरा तन मन धन बस जल जल मन जल जल में भारत मां, मेरा तन मन धन बस जल जल मन तन तन में भारत मां, ये देश है अलबेलों का मतवाले यहाँ रहते हैं, मिट जाए तिरंगे पे जो जियाले यहाँ रहते हैं, दुनिया में सिर्फ हम ही हैं जो मुल्क को मां कहते हैं, दुनिया में सिर्फ हम ही हैं जो मुल्क को मां कहते हैं, ओ तेरी माटी तिलक है मेरा, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी प्रदेशवासियों से पूरे उत्साह और सबकी भागीदारी के साथ हर घर तिरंगा अभियान मनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों द्वारा किए गए कठिन संघर्ष और उनके बलिदान को स्मरण करने का अवसर है। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान केवल शासकीय कार्यक्रम ना बने, हम सभी गलियों मोहल्लों और कॉलोनियों के हर घर पर तिरंगा लहराने का प्रण लें। तिरंगा हमारे स्वाभिमान का आधार और देश को विशेष पहचान दिलाने का माध्यम है। सब अपने घर पे तिरंगा लगाना, आपका लगने वाला तिरंगा चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, मंगल पांडे, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, हमारी रानी दुर्गावती, सबके प्रति श्रद्धांजलि होगी। सबने अपने खून की होली खेल करके देश को आजाद करा करके हमको दिया है, इसकी कीमत हमको सबको करना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये भी कहा है कि भोपाल के बड़े तालाब में देश का सबसे बड़ा तिरंगा लगाया जाएगा। Yeah!
और आइए अब आपको बताते हैं कि झंडा फहराने के नियम क्या होते हैं। भारतीय ध्वज को अत्यंत सम्मान के साथ संभाला जाना चाहिए, जैसा कि भारतीय ध्वज संहिता 2002 और राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 द्वारा निर्धारित किया गया है। ध्वज को सही ढंग से फहराने के लिए दिशा निर्देशों में ये शामिल है। आइए आपको बताते हैं। हमेशा ऊपर की पट्टी को केसरिया और नीचे की पट्टी को हरे रंग में फहराएं। झंडे को कभी भी उल्टा ना फहराएं। सुनिश्चित करें कि झंडा अच्छी स्थिति में हो। कभी भी फटा या क्षतिग्रस्त झंडा ना फहराएं। झंडा खड़ा रहना चाहिए और उसे नीचे नहीं झुकाना चाहिए। झंडे को कभी भी सजावट के तौर पर इस्तेमाल ना करें। इसे किसी ऊंचे स्थान पर रखना चाहिए और इसे तोरण, रोसेट या बंटिंग के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यही नहीं, झंडे को पोशाक, वर्दी या अन्य सामान में शामिल ना करें। झंडे के आकार के लिए 3:2 अनुपात बनाए रखें, क्योंकि उचित प्रदर्शन के लिए सही अनुपात बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, हर घर तिरंगा। हर भारतीय को अपने घरों में तिरंगा लाने और हमारे देश की स्वतंत्रता के जश्न में इसे गर्व से फहराने के लिए आमंत्रित करता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज केवल एक प्रतीक नहीं है, बल्कि हमारे सामूहिक गौरव और एकता का एक गहरा प्रतिनिधित्व है। तो हर घर तिरंगा फहराइए, लेकिन शान से लहराइए। नौ से 15 अगस्त 2024 तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के माध्यम से 12 से 14 अगस्त तक प्रदेश में जिला, तहसील एवं ब्लॉक स्तर पर अपने अपने क्षेत्र में सम्मान पूर्वक राष्ट्रीय ध्वज के साथ तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। इस यात्रा का रूट चार्ट भी तैयार किया गया है। जगह जगह पुष्प वर्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है और शहीद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों या शहीद स्मारिकाओं के समीप कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें विधायक, सांसद, जन प्रतिनिधि प्रमुख रूप से मौजूद हैं। इसके अलावा घरों, वार्ड, ग्राम एवं शहरों में लगे तिरंगे झंडे को एक निश्चित समय के बाद निकालना सुनिश्चित किया गया है। वहीं नगर पालिका परिषद एवं जिला पंचायत के अधिकारियों को झंडे की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज के जनक कौन थे? जी हाँ, पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने ही राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया था, लेकिन उनके लिए राष्ट्रीय ध्वज को तैयार करना इतना आसान नहीं था। 5 साल तक दुनिया भर के देशों के झंडे का अध्ययन करने के बाद पिंगली वेंकैया ने साल 1921 में राष्ट्र के लिए तिरंगे को डिजाइन किया था। इसके बाद राष्ट्र के तिरंगे को साल 1931 में स्वीकार किया गया था। और आइए अब आपको सुनाते हैं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्वतंत्रता दिवस पर आधारित ये कविता। और ये स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 1947 में लिखी गई कविता। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है,
15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच सोना बाकी है, रावी की शपथ न पूरी है। जिनकी लाशों पर पग धर कर आजादी भारत में आई, वे अब तक है खाना बदोश गम की काली पतली छाई। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। देखिए उस समय की कविता है। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होना बाकी है, रावी की शपथ न पूरी है। जिनकी लाशों पर पग धर कर आजादी भारत में आई, वे अब तक है खाना बदोश गम की काली बदली छाई। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। हिंदू के नाते उनका दुख सुनते यदि तुम्हें ला जाती, तो सीमा के उस पार चलो, सभ्यता जहां कुचली जाती, इंसान जहां बेचा जाता, ईमान खरीदा जाता है, इस्लाम सिसकियां भरता है, डॉलर मन में मुस्काता है। भूखों को गोली, नंगों को हथियार पिनाए जाते हैं, सूखे कंठों से जेहादी नारे लगवाए जाते हैं। लाहौर कराची ढाका पर मातम की है काली छाया, पख्तूनों पर गिलगित पर है गमगीन गुलामी का साया। बस इसीलिए तो कहता हूँ आजादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊ मैं। बस इसीलिए तो कहता हूँ आजादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है। दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें, बलिदान करें, जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो थी तिरंगे की बात, और आइए अब आपको बताते हैं कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस 2024 की आधिकारिक थीम क्या है। जी हाँ, इस वर्ष आधिकारिक थीम है विकसित भारत। ये थीम 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने के सरकार के दृष्टिकोण का प्रतीक है। ये थीम बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करती है। आज आजादी के बाद विज्ञान के क्षेत्र में भी हमने काफी तरक्की कर ली है। इस वैज्ञानिक तकनीकी के कारण आज भारत चंद्रमा और मंगल तक का सफर तय कर चुका है। नई वैज्ञानिक तकनीक को हर दिन नया कर हम देश को एक नई तरक्की की ओर ले जा रहे हैं। विज्ञान और तकनीक को हम अपने लिए हर क्षेत्र में अपना रहे हैं। सैन्य, कृषि, शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान और तकनीकी को अपनाकर हम खुद को प्रगतिशील देशों के समकक्ष खड़ा कर रहे हैं। आजादी के बाद हमने हर क्षेत्र में प्रगति की है और रोज नए आयामों को लिख रहे हैं। अगस्त 1947 की तारीख भारत भला कैसे भूल सकता है। एक तरफ 200 वर्षों की गुलामी के बाद आजादी मिलने वाली थी, तो वहीं दूसरी ओर देश के दो टुकड़े हो रहे थे। लाखों लोग इधर से उधर हो गए, घर बार छूटा, परिवार छूटा, लाखों की जाने गई। ये दर्द था विभाजन का। भारत के लिए ये विभीषिका से कम नहीं थी। इसी दर्द को याद करते हुए साल 2021 से आजादी की सालगिरह से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया। ऐलान 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का।
विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस सामाजिक विभाजन वैमनस्यता के जहर को दूर करने और एकता, सामाजिक सद्भाव और मानव सशक्तिकरण की भावना को और मजबूत करने की जरूरत की याद दिलाता है। ये दिन हमें भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाएं भी मजबूत होती है। जी हाँ, आज है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरजू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरजू। ऐतिहासिक रूप से ध्वज के साथ हमारा संबंध प्रायः औपचारिक और दूरगामी रहा है, लेकिन ये अभियान इसे गहन, व्यक्तिगत और हार्दिक संबंध में बदलने का प्रयास करता है। तो आप भी जुड़िए हर घर तिरंगा अभियान से और लहराइए अपने घर पर शान से तिरंगा। आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। तो आज बस सुर्खियों में मध्य प्रदेश कार्यक्रम में इतना ही। हमारा आज का विषय था हर दिल में देश, हर घर में तिरंगा, गौरव और एकता का प्रतीक। तो अब अनुमति दीजिए पूर्वा त्रिवेदी को, आलेख एवं संकलन संजीव शर्मा का और प्रस्तुति थी आकाशवाणी समाचार एकांश भोपाल की। नमस्कार। सुर्खी